मतलब यही है भाई, टोयोटा की गाड़ी में दिक्कत तो आती है नहीं। 32-35 32-35। ओ भाई इतनी तो मत फेंक। आज जुड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम खुट्टे वाले तो दे दो। मतलब टोयोटा की आज भी सर्विस सस्ती है मारुति के हिसाब से। ये भले ही मारुति है पर हमें मारुति ब्रांड नहीं चाहिए था, क्योंकि एक हिसाब से टोयोटा के नाम पे धब्बा है गाड़ी। ये ब्रेजा एलेक्साई में देखने को नहीं मिलता हमें एक भी हेडरेस्ट, और इसमें बेस वेरिएंट में इन्होंने तीन तीन दे रखे हैं। टोयोटा वाले स्विफ्ट बेच रहे थे वो ले लेते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू दारिन पर। मैं हूं आप सबका होस्ट एंड दोस्त आर्यन। तो दोस्तों अभी आप सबके सामने खड़ी है टोयोटा की ग्लैंजा, और आज हम करने वाले हैं इसका एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू। दोस्तों आपको इस गाड़ी के ओनर से मिलवाऊंगा, उनसे बातचीत करेंगे भाई उनको गाड़ी कैसे लगी, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन बता 24/7/2023 मतलब एक हिसाब से एक साल से ऊपर हो चुकी है भाई ये गाड़ी अभी तक अपनी देख पा रहे हो आप। अगर आप ब्लेनो की तरफ जाते हो और आप ग्लैंजा की तरफ जाते हो तो कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा रहने वाला है, और जो लोग कहते हैं कि टोयोटा की सर्विस अच्छी है मारुति से, तो उन सब की भी आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो भाई मिलवाता हूँ ओनर से, आइए भाई। भाई हमारे प्यारे भाई, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं भी बढ़िया भाई। भाई आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। मेरा नाम दीपांशु है और मैं ये ग्लैंजा ओन करता हूँ, नरेला से हूँ। भाई कब ली थी ये गाड़ी? ये भाई हमने पिछले साल ली थी 7वें महीने में, जून जुलाई में। जून जुलाई में ली थी, मतलब एक साल से ऊपर ही हो गया। एक साल से ऊपर, दो तीन महीने ऊपर ही हो लिया इसको। ये आपका मेरे सबसे बेस मॉडल है? बिल्कुल बेस मॉडल है, इससे नीचे कुछ नहीं आता। मतलब बेस मॉडल आपने लेके इसमें थोड़ा बहुत काम कराया? हाँ, मैं जो जरूरत थी, मतलब ज्यादा हमें फीचर्स का मतलब नहीं था, हमें सिर्फ एक गाड़ी चाहिए थी कम्यूट के लिए। कभी कभी चलती, इतनी ज्यादा नहीं चलती, तो मतलब नॉर्मल गाड़ी चाहिए थी हमें। नॉर्मल गाड़ी चाहिए थी। कितने की पड़ गई थी आपको वैसे? ये तो भाई अब मेरे को यार 7 की हेरफेर में पड़ी थी। 7 की हेरफेर में पड़ी थी, याद नहीं है वैसे तो। तो 7 लाख के हेरफेर में आपको भाई और भी इसमें गाड़ी मिल जाती है, जैसे कि अपनी प्रीमियम हैचबैक है। हाँ, तो जो अगर आप नॉर्मल हैचबैक लेते तो उसके भी आपको ऊपर वाले वेरिएंट मिल जाते। हाँ मिल जाते, जैसे स्विफ्ट लेते, स्विफ्ट आती है उसका शायद आपको VXI मिल जाता। हाँ, तो ये अभी है तो अपनी पेट्रोल में, CNG तो है नहीं। CNG नहीं है ये। ये क्यों ली फिर स्विफ्ट क्यों नहीं ली? स्विफ्ट हमें एक तो मारुति नहीं चाहिए थी। मारुति चाहिए? भले ही मारुति है पर हमें मारुति ब्रांड नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे पास पहले वो थी, इससे पहले हम ETIOS चला रहे थे लीवा, टोयोटा की थी, तो हमें सर्विस का एक्सपीरियंस था कि सर्विस टोयोटा से बढ़िया कोई दे नहीं सकता, तो हमें था कि टोयोटा की ले। है भले ही मारुति, हमें उससे मतलब नहीं, पर गाड़ी टोयोटा की चाहिए थी। पहले अगर कोई बंदा टोयोटा चला रहा है तो उसको फिर टोयोटा की समझ में आएगी। हाँ, देखी हमने बहुत सारी, बलेनो भी देखी हमने, फ्रोंक्स भी देखी, ब्रेजा भी सोच रहे थे, एक्स्टर भी देखी, पर फिर बाद में इसी पे मन अड़ा रहा कि टोयोटा ही लेनी है। तो टोयोटा का क्या पसंद आ गया ऐसा? एक तो भाई इनकी सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, मतलब मारुति नहीं कर सकती उसको? अब बहुत पीछे, अभी तो मारुति अभी भी पीछे। हाँ, है कस्टमर एक्सपीरियंस में बहुत पीछे अभी। हाँ, क्योंकि भाई पहले से भाई यूज कर रहे हैं 12-13 साल से ETIOS, वो शायद अभी भी है, मैंने देखी है आपके पास। दो थी हमारे पास, एक अभी भी रखी हुई है, उसको डीजल में 13 साल हो चुकी उसको। मतलब 10 साल होने के बाद भी चल रही है? चल रही है भाई वो। मतलब यही है भाई टोयोटा की गाड़ी में दिक्कत तो आती है नहीं, वो तो चल गई, चलने तो फिर 2.5-3 लाख के आसपास चल चुकी वो तो। जिस दिन फंस गए उस दिन जयराम जी की नहीं फंसेंगे। पुलिस वाले ही चलाते हैं। पकड़ेगी तो पुलिस है। टोयोटा वाले स्विफ्ट बेच रहे थे तो वो ले लेते। और टोयोटा में अभी भी इसके नीचे तो कुछ आता है ही नहीं, इससे नीचे यही है आपको भाई। टोयोटा में सबसे सस्ती गाड़ी चाहिए तो यही बेस मॉडल आपको मिलेगा। हाँ, इसमें DRL तो आती नहीं, लेकिन क्रोम की गार्निश दे रखी है, तो हाँ, दिन में तो फर्क लगता नहीं है इतना, क्योंकि प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। और अगर आप ये भी थोड़ा चेंज करा लो ना इसके ORV में, फिर ढक्कन पेंट करवा लो, और इसके जो ये नीचे वाला इसका डिफ्यूज़र है, इसमें आप देख पा रहे हो कार्बन फिनिशिंग का यूज़ कर रखा है, और यहाँ पे भी क्रोम की लाइनिंग है, तो और कहीं से भी है ना कॉस्ट कटिंग नहीं कर रखी बेस मॉडल में भी एक हिसाब से, तो सही है। बाकी भाई इसमें साइड प्रोफाइल की बात कर लें तो देखो भाई साइड प्रोफाइल में जैसे कि अपनी सब 4 मीटर में आ जाती है गाड़ी, तो लंबाई तो इसकी भाई इतनी है जैसे कि आपकी नेक्सोन आती है, ब्रेजा आती है, उसी की लंबाई में है, लेकिन आपको लगेगी नहीं कि भाई ये उतनी बड़ी गाड़ी है, लेकिन उस हिसाब से ना इसमें अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है हमें अंदर वाली रो में भी। उसकी बात करेंगे भाई से कि भाई कैसा अभी तक इसमें हमें स्पेस मिल रहा है। बाकी भाई एक साल से ज़्यादा हो गई इस गाड़ी को, और ये क्रोम साथ में आया था कौन सा भाई? ये नहीं, ये एक्सेसरी है। हाँ तो सही है, मतलब जेन्युइन होगी तभी इसमें जंग वगैरह नहीं लगा अभी तक, कंपनी से ही लगवा रहा सारा। ठीक, सही है। बाकी अंदर से आप भाई थोड़ा सा दिखा सकते हो ऐसा कुछ इंटीरियर आता है इसमें अपना, ब्लैक प्लस जो नीचे ये कौन सा कलर आता है, बेज कलर का आता है इसमें, तो काफ़ी प्रीमियम लगता है ये अपनी उससे तो बलिनो से तो काफ़ी, वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही ब्लू सा कलर अजीब सा दे दिया। हाँ वो, हाँ वो उसमें ब्लू आता है बेस मॉडल में, बहुत अजीब सा लगता है ये, प्रीमियम लगता है। हाँ ये प्रीमियम लगता है। और भाई पीछे से बात कर ले तो देखो पीछे से भाई ऐसी कोई दिखती है, बेस वेरियंट है फिर भी इसमें हमें डिफोकर दे रखा है, और लेकिन वाइपर नहीं दे रहा, लेकिन डिफोकर भी ठीक है मेरे हिसाब से भाई, अपने दीपांशु भाई डिफोकर इसलिए दे दिया क्योंकि इसमें अंदर ऑटोमेटिक आता है वो।
क्या चीज है? क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल, उसकी वजह से इसमें ऑटोमेटिक दे दिया। हाँ कह सकते हो, डीप वगैरह चल जाता उससे। बाकी चार पार्किंग सेंसर दे दिए बेस मॉडल से। बाकी ये आप देख पा रहे हो इसमें एसेसरी में तो जंग सा नहीं लगा, लेकिन ये टोयोटा के लोगो और ग्लैंजा पे जंग लग गया दोस्तों। आप दिखाओ तो एसेसरीज काफी अच्छी है इनकी, लेकिन ये लोगो वगैरह वो अच्छे से नहीं कर पाए। अब ये भी नहीं कह सकते पानी की कमी, कि पानी की कमी, तो पानी की कमी होती है सारी पे लगता। तो ये थोड़ी है इसमें आ जाएगी। बाकी चार पार्किंग सेंसर इसमें दे रखे हैं। कैमरा आफ्टर मार्केट होगा। हाँ ई आता है इसका बेस मॉडल, ये बेस वेरिएंट ई है। बाकी लाइट इसमें ये इतनी जलती हुई, चार डॉट है ये एलईडी के बस। और ये नहीं जलता कुछ, ये रिफ्लेक्टर है ये। और इसका ब्रेक लैंप यही है, ब्रेक लैंप भी यही है। अंदर चलते भाई, आ जाओ अंदर। आ गए हैं गाड़ी के अंदर भाई, अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितनी कुछ वाइब्रेशन फील होती है एक साल बाद। करो भाई। बस भाई यही तो खासियत है ये मारुति और इनकी, मारुति है चलो, मारुति की, कि भाई 1% भी वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगा। अगर अभी पानी का गिलास भी रख दो ना तो भी मेरे हिसाब से फील नहीं होगी आपको। और एसी अभी भाई ने चलाया है और ऑटोमेटिक आ जाता है इसमें बेस वेरिएंट में ही, फिर भी वाइब्रेशन नहीं है। देखो रुको, नहीं है ना के बराबर भी। नहीं मानता ही नहीं इसको तो भाई, कुछ फील ही नहीं होगी। चलो ठीक है, बाकी अल्ट्रोज खड़ी है उसकी देख लेना अगर किसी को देखनी हो तो। उसमें तो भाई कुछ भी मत, बाकी अभी बिल्कुल लो पे है। हाँ। ठंडक क्यों नहीं आ रही इसमें? आएगी, खड़ी है ना गाड़ी तो, मतलब खड़ी गाड़ी में ऐसे अच्छा नहीं है इसका। नहीं, खड़ी गाड़ी में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था इसका। और यहाँ पे कंट्रोल वगैरह नहीं आते बेस वेरिएंट, इसलिए। बाकी ये बाहर से लगवा रखी है पैनासाउंड? हाँ भाई, ये बाहर से लगवा रखी है, ये बाहर से लगवा रखी है। और क्या क्या करवा रखे? सीट कवर है, सीट कवर थे, और अपना मैट वगैरह थे, कैमरा हो गया, स्पीकर हो गए। और एक चीज मैंने भाई फील करी है कि इन गाड़ियों के सीट कवर काफी अच्छे बनते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये देखो सीट कवर के डिजाइन ही इतने अच्छे बन जाते हैं इसमें। ये वाला पार्ट भी अलग से ही आ जाता है ये बाहर की तरफ, और सॉफ्ट बहुत है सीट कवर। हाँ, सॉफ्ट भी बहुत है और काफी सही बना रखे हैं। तो भाई पीछे दीपांशु भाई हमारे साथ, भाई पीछे वाली सीट का कम्फर्ट की बात करें तो कैसा कुछ कम्फर्टेबल सीट है इसका? भाई पूरा कम्फर्टेबल सीट है, और जैसे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। देख भी मैं, अपने तीन तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, और ये सीट भी 64 स्प्लिट सीट है। और एक हिसाब से भाई काफ़ी सही चीज़ है, क्योंकि जो इसका ब्रेजा LXi में देखने को नहीं मिलता हमें एक भी हेडरेस्ट, और इसमें बेस वेरिएंट में इन्होंने तीन तीन दे रखे हैं। क्या है भाई ये घपलेबाजी क्यों करते हैं कंपनी? क्योंकि ये प्रीमियम हैचबैक है, वो एंट्री लेवल SUV है, ये फर्क है। मतलब बेस मॉडल में देंगे ही नहीं, डमी भी नहीं देंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं देना। ये प्रीमियम हैचबैक है ना, नाम देखो आप। एवरेज बताओ भाई, मेन तो एवरेज। अभी खड़ी गाड़ी में 21.6 की दिखा रही है, खड़ी गाड़ी की 21.6 की। हाँ तो वैसे कितनी देती है? वैसे 32-35 तक देती है। 32-35? 32-35। ओ भाई इतनी तो मत फेंक। अरे 32 तो दादा बताऊं थे। अच्छा निकाल रखी है। हाँ भाई दादाजी के पैर में तो मेरे कुछ ना कोई जादू है। जादू है भाई। 32 की माइलेज भाई इस गाड़ी से। तो फिर CNG CNG वो क्या होता है, इसलिए नहीं ली CNG के। एक तो लाइन में लगो ठीक है, फिर एवरेज भी कहीं ना कहीं देखो, मानता हूँ कि रेट कम उसका 20 रुपये, पर यहाँ पूरा हो जाता है 32 की माइलेज के बाद। ये बाकी कितनी चली गई अभी तक ये गाड़ी? ये 15,000 चली भाई। दिखाएं। 14,974 किलोमीटर। हाँ तो 15,000 चली गई, तो 15,000 में कितनी इसकी सर्विस हो चुकी है? तीन सर्विस हो चुकी है। तीन सर्विस फ्री वाली निपट गई सारी? फ्री निपट गई। अब पैसे देने पड़ेंगे? अब पैसे देने पड़ेंगे। फ्री में तो 0 रुपये दे के आगे होगी। हाँ ये लास्ट वाली में दिए थे थोड़े बहुत। कितने कुछ की हुई थी इसकी? वो ऐसी थी 3,500 रुपये की बस। लेबर फ्री? लेबर, तेल वगैरह, एयर फिल्टर के लिए होंगे पैसे? वो उनके लिए थे उन्होंने पैसे। मतलब टोयोटा की आज भी सर्विस सस्ती है मारुति के हिसाब से? है मारुति की भी उतनी, पर वो फालतू चीज़ें ज़्यादा चेपते हैं इसमें। यहाँ पे यही चीज़ तो अच्छी है कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें फालतू की दिखाएंगे ही नहीं ना बताएंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आप अपने आप से कह के करवा लो। मतलब कुछ ज़्यादा जरूरत होगी तो वो खुद भी कह देते कि ये। हाँ, अगर उनको इतनी तो नॉलेज देखो सबको ही होती है कि अभी नई गाड़ी है, 15,000 किलोमीटर कुछ भी नहीं होते एक साल में ठीक है ना, इतना कुछ बिगड़ता गाड़ी का, तो जो जरूरत होती है वो वही सामान बताते हैं। अगर आप अपने मन से चाहते हो कुछ कराना, वो आपके सामने पूरा कैटलॉग रख देते हैं कि ये सर्विसेज हैं, आपको क्या क्या चाहिए आप ऐड ऑन कर सकते हो। और जैसे आज बलिनो आती है बेस मॉडल और ये क्लेंजा आती है बेस मॉडल, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी महंगी पड़ती है। हाँ ये महंगी है। क्यों ये महंगी है? एक तो मैं मानता हूँ थोड़ा इसका बम्पर डिज़ाइन कह लो। हाँ फ्रंट से, फ्रंट से कह लो। बाकी ये कुछ ये तो चलो इतनी वो बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी इसकी वारंटी ज़्यादा मिलती है हमें। कितने साल की? इसकी स्टैंडर्ड हमें 3 साल की मिलती है, और उसमें 2 साल की मिलती है। चलो एक साल फालतू की वारंटी। हाँ। भी देते हैं, और किलोमीटर भी ज़्यादा की मिलती है, 1,00,000 किलोमीटर की।
और अगर एयरबैग की बात करें तो दो ही आते हैं। हाँ, एयरबैग दो ही आते हैं इसमें। अभी भी दो ही आते हैं या फिर? नहीं, अभी दो ही आते हैं। अभी दो ही है। इस गाड़ी को ना चलाते हैं, फिर चलाते चलाते बात करते भाई, खुद भी फील करके देखते हैं। तो भाई गियर शिफ्टिंग तो काफी स्मूथ है इसकी अभी, बहुत स्मूथ है भाई। और क्लच भी ज्यादा हार्ड नहीं हुआ 15,000 के हिसाब से। हाँ, लाइट ही फील हो रहा है मेरे को अभी तो। लाइट, बाकी ये मैट में थोड़ा सा फंस जाता है। हाँ, वो तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बाकी स्टीयरिंग भी ठीक ही है, स्टीयरिंग हल्का ही रहता है लगभग हर टाइम। ये भी चीज़ अच्छी है कि ज़्यादा सर में दर्द नहीं करती बेल्ट के नाम पे। हाँ, इसके बाद थोड़ी प्यारी है। और भाई एक बात बताओ मेरे को। बिल्कुल भाई बताओ। जैसे आपने बेस मॉडल ले तो लिया। हाँ, आपको अच्छी लगी है तभी लिया होगा। हाँ हाँ, इसमें भाई मैं ओवर रिम को एडजस्ट कैसे करूँ? शीशे खोल के। शीशे ऐसे खोल के? हाँ, ऐसे ही है, ऐसे खोल के आएंगे। और जैसे मैं तो अभी तो आप बैठे हो, कर दोगे मेरे लिए, उसको कैसे करूंगा भाई मैं एडजस्ट? ऐसे यार, ऐसे ऐसे करेगा। ओ भाई, टोयोटा वालों, ब्रेजा वालों, बलेनो वालों, मारुति वालों, आज जुड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम खुट्टे वाले तो दे दो रखे इसको एडजस्ट कैसे करें हम? ये 11 साल पहले 13 साल पहले सेंटर में भी आते थे यहाँ पे जो स्टिक्स। अरे यार, हर कंपनी देती है यार। एक तो पंच में नहीं आते बेस मॉडल में जो भी गाड़ी ज्यादा बिक्री है ना उनमें नहीं देंगे। ये ज्यादा भी नहीं बिक्री फिर। अरे चलो, ये तो उसकी कॉपी है बलिनो की। जो बलिनो में मिलेगा भाई तो इसमें मिलेगा। बिल्कुल, उससे ऊपर थोड़ी दे देंगे। उससे ऊपर वारंटी देती ना, हर चीज थोड़ी मिलेगी। रेट भी तो ज्यादा ले रहे थोड़ा। हाँ, इतना चलता है भाई। बाकी भाई ड्राइविंग के मामले में भाई काफी अच्छी लगी मेरे को। बाकी आगे ना ये रोड है ना टूट रखा है, इस पे देखते हैं थोड़ा, इस पे पता लगेगा सस्पेंशन का। नहीं भाई, मजा आ गया, बढ़िया चल रही है। और ये तो भाई वो पत्थर डाल रखे हैं। अभी तो भाई 1 साल ही हुआ गाड़ी को, अभी इतना कुछ नहीं होता 1 साल में गाड़ी का। भाई हो जाता है यार, तमीज से चलाओ तो। मैंने देखे ना लोगों की 6-6 महीने पुरानी गाड़ी, तमीज से चलाने के ऊपर ना भाई। वही बात है कि भाई जब इससे 32,000 निकाल सकते हैं। हाँ, तो तमीज से चलिए गाड़ी में, मान लो। हाँ भाई, तमीज से ही चलिए गाड़ी तो। हाँ, बाकी एसी भाई जब चल जाती है गाड़ी तब तो हो जाता है अपना बिल्कुल ठंडा काम। तो बढ़िया, सही ठंडी आ रही है हवा। और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें भी, बेस वेरिएंट में भी। और ऑटो स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने का भी इसमें बटन मेरे को दिख रहा है। बाकी इंटीरियर इसका भाई, जैसे और कंपटीशन में गाड़ी आती है अल्ट्रोज हो गया, आपके पास अल्ट्रोज भी है। हाँ, और ये है तो। हाँ, आपने दोनों चलाई हैं। बिल्कुल, तो क्या आप क्या कहना चाहोगे कि भाई अब ये गाड़ी लेनी चाहिए अल्ट्रोज लेनी चाहिए? भाई अगर किसी का मतलब किसी को ये सीएनजी में भी आती है वैसे तो, अगर किसी को फीचर रिच गाड़ी चाहिए कम पैसों में सीएनजी के साथ, तो आप अल्ट्रोज की तरफ जाओ। अच्छा। हाँ, किसी को सेफ्टी चाहिए तो अल्ट्रोज। पैसे ज्यादा ले रही है क्या है? आप कह रहे हो कि इसमें एक तो फीचर रिच चाहिए कम पैसे में, तो उसमें अल्ट्रोज में जाओ। हाँ बिल्कुल, अल्ट्रोज में जाओ। आपको पैसे ज्यादा दे रही है फिर फीचर कम दे रही है? ये पैसे भी ज्यादा फीचर भी कम है। कैसे? इसका टॉप मॉडल भी अगर आप लोगे ना तो अल्ट्रोज ही लगभग का ही पड़ता है, पर उसमें फीचर बहुत ज्यादा है इससे अल्ट्रोज में। हाँ, इसमें है कुछ फीचर्स हैं जैसे वो मतलब कभी यूज भी नहीं आते, जैसे आपको वो हेडसअप डिस्प्ले हो गया, वो तो बेकार है। 360 डिग्री कैमरा तो वो भी किसी यूज का नहीं है इसमें। जरूरत इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है। हाँ, जरूरत भी दो, सनरूफ दो, सनरूफ चाहिए लोगों को, सनरूफ दो इसमें। हाँ, इसमें किसी भी वेरिएंट में नहीं आती। हाँ, सनरूफ नहीं आती इसमें। अल्ट्रोज में आप बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में सनरूफ ले सकते हो। इसमें अच्छा लगा इसका इंजन, इंजन 32 की एवरेज अगर निकाल रही है तो उससे बड़े इंजन क्या ही होगा। कुछ तो यूं भी कह सकते हो क्योंकि इसका वेट कम है, तो वेट कम खींच रही है तो उस हिसाब से भी। पर फिर भी एक कैपेसिटी होती है गाड़ी की अपनी, 32 की एवरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जैसे नेगेटिव्स की बात कर लें तो नेगेटिव्स में कहूँगा इसकी सेफ्टी है। एक तो सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी है पर 6 एयरबैग हो सकते थे। 6 एयरबैग से ज़्यादा हो जाती सेफ्टी, कुछ तो बढ़ती। मानता हूँ कि मेन सेफ्टी तो यार जो इसका स्ट्रक्चर है वो उसी से आएगी। चलो, स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा काम जाम करना पड़ेगा। हमने मान लिया मत बढ़ाओ स्ट्रक्चर, 6 एयरबैग तो दे दो। वही बात है भाई, अगर फीचर से अगर सेफ्टी आती होती तो किया की सारी गाड़ी 5 स्टार होती। ये भी बात है, पर देखो तो कहीं से शुरुआत करो कहीं से शुरुआत करो। शुरुआत ही नहीं करनी है। हाँ, शुरुआत ही नहीं कर रहे। वैसे एक हिसाब से टोयोटा के नाम पे धब्बा है गाड़ी। टोयोटा के पास अपनी खुद की इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं बाहर देशों में। ऑस्ट्रेलिया में जाओ आप, ऐसी ऐसी गाड़ी है, पर इंडिया में लोग लेंगे नहीं उसको। लोगों को चाहिए माइलेज, लोगों को चाहिए मारुति, लोगों को चाहिए मारुति चाहिए और माइलेज चाहिए। वैसे ही मारुति टोयोटा ने ले ली। हाँ, अब टोयोटा भी दिमाग से खेल रहा है। एवरेज चाहिए, एवरेज चाहिए, और उनको दे दो
360 डिग्री कैमरा, स्क्रीन दे दो बड़ी, स्क्रीन दे दो बढ़ेंगे स्क्रीन में। मैंने चला के भी देख लिया भाई, मेरे को 1% भी कमी नहीं लगी गाड़ी में। तो भाई ये था भाई आप सबके लिए काफ़ी अच्छा ओनरशिप रिव्यू, एक बार बाहर चल के ना वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद दीपांशु भाई एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। वेलकम। तो भाई अब आप डिसाइड कर सकते हो भाई बलेनो या फिर ग्लेंजा, देख लो भाई आपकी मन मर्जी है। बाकी इसमें आपकी सर्विस ज़्यादा मिल जाती है, आपको काफ़ी बेटर है, वारंटी भी ज़्यादा मिल जाती है। बाकी इंटीरियर भी इसका थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील होता है हमें बलेनो से, तो इसकी तरफ भी जा सकते हो। बाकी ये भी कोई गलत गाड़ी नहीं है। बाकी मेन तो भाई लुक्स की तरफ मरती है भाई इंडियन ऑडियंस, तो लुक्स जिसका पसंद आ जाए उसकी तरफ चले जाना। तो दोस्तों लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और अगर किसी भाई को भी ओनरशिप रिव्यू कराना हो आसपास दिल्ली एनसीआर में रहता है तो भी भाई आप हमें ईमेल कर सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।